अरे आज भी बबीता जी के दर्शन नहीं हुए, ये तो अपशगुन है। भगवान आपसे कंप्लेन है, आप रोज मुझे आकाश में सूरज दादा के दर्शन करवाते हैं ना, तो फिर ये बालकनी में चांद का दर्शन क्यों नहीं करवाते? आपने बताया नहीं चांद बाहर गया हुआ था, सॉरी मिल गया चांद। चांद बबीता जी आइए आइए आइए, वेलकम वेलकम, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। क्या बात है, बहुत परेशान लग रहे हो, कोई प्रॉब्लम है? Nothing much, but you know, just a small incident just happened. I'm a little upset about it, but anyways, doesn't matter. Thanks for asking. बाप रे बाप, इतना ज्यादा अंग्रेजी बोली मतलब बहुत बड़ा प्रॉब्लम लगता है। बबीता जी ये प्रॉब्लम अय्यर भाई की वजह से? No. In fact, अभी भी मैं उनको छोड़ के आ रही हूँ। क्या बात कर रही है, आपने अय्यर भाई को छोड़ दिया? बहुत अच्छा काम किया ये आपने, बहुत ही अच्छा काम किया। जेठा जी वो एक दिन के लिए दिल्ली गए हुए हैं, तो मैं उनको एयरपोर्ट छोड़ने गई। लेकिन बबीता जी अभी आप आए तभी आप एकदम टेंशन में क्यों लग रहे थे? हाँ वो एक्चुअली मैं सीट बेल्ट पहनना भूल गई थी ना, तो वो ट्रैफिक वाले ने मुझे फाइन कर दिया। बबीता जी आप गाड़ी लेके गई क्यों? आपको पता है ना मेरे पास गाड़ी है, मुझे बोला होता। अरे हम दोनों मिलके अय्यर भाई को आप बोलते उधर छोड़ कर आते थे। अरे टप्पू के पापा आप अभी तक दुकान नहीं गए? बस जा रहा हूँ। अच्छा वाह, आप दोनों को ऐसे खड़े देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्या ऐसा लगता है कि टप्पू के पापा नीमू के साथ खड़े हैं? नीमू नीमू नीमू, अरे निर्मला इनकी मौसी की लड़की, इनकी छोटी बहन, ये नीमू के साथ इसी तरह प्यार से बातें करते हैं। ये कुछ भी बोलती है, इसकी बातों पे आप ध्यान मत देना, नीमू बिल्कुल आपके जैसे नहीं है। अरे हाँ आप ये दही नींबू भूल गए हैं? आप दही और नींबू एक साथ खाते हो? अरे नहीं नहीं खाने के लिए नहीं, क्या है कि मैंने ये कटोरी में दही और नींबू मिलाकर बाथरूम में रखा था इनके सर में डालने के लिए। क्या है कि इनके सर में खोड़ा है ना? खोड़ो? अरे खोड़ा मतलब खोड़ो खोड़ो, वो क्या है कि सिर के अंदर वो सफेद सफेद पाउडर जैसा हो जाता है, वो यहाँ आसपास में गिरता है। और देखिए इन्होंने तो काली शर्ट पहनी है, तुरंत दिखेगा, देखिए देखिए। डैंड्रफ? हाँ वही। क्या है मेरी माँ ने खोड़ा मिटाने का बहुत अच्छा देसी इलाज बताया है, 3 दिन बासी रखा हुआ दही होता है ना, उसमें नींबू मिलाकर सर पर घिसो, फिर देखो आपका खोड़ा 1 हफ्ते में गायब हो जाएगा। आप ऊपर आइए मैं आपको लगा देती हूँ। मुझे ऐसा कोई देसी इलाज नहीं करना है। बबीता जी इसको समझाओ, इसके लिए मार्केट में अच्छा वो शैम्पू मिलता है, वो मैं दुकान से आते आते लेके आऊंगा और कल सुबह नहाते वक्त लगा लूंगा, ठीक है? तो अब इसका क्या करूँ? बबीता जी आपको लगाना है? नहीं नहीं थैंक्स बाय। अक्कल है डोबी, अक्कल है तेरे में। तू बबीता जी को बोलती है दही नींबू चाहिए दही नींबू, तू क्या कहना क्या चाहती? बबीता जी के सर में खोड़ा है? अरे बबीता जी जैसे बालपुरी सोसाइटी में किसी के नहीं है। नॉनसेंस, ऐसा थोड़ी होता है, मैंने तो आपके अच्छे के लिए कहा था, फिर भी आप हमेशा मुझे डांटते रहते हैं। अरे ये लगाएंगे तो आपके बाल मजबूत रहेंगे, आपके बाल मजबूत रहेंगे तो वो झड़ेंगे नहीं, और झड़ेंगे नहीं तो आपके बाल टकलू नहीं होंगे, फिर बाल टकलू हो जाएंगे तब आप ही मेरे पास आएंगे कि दया ये दही नींबू लगा दो ना, दही नींबू लगा दो ना। पर मैं तो आपको दही नींबू नहीं लगाऊंगी, वैसे लगाने से फायदा भी क्या, टकले में थोड़े बाल आ सकते हैं। और अरे कहाँ अदृश्य हो गए?
अभी बहुत कुछ कहना था, कल दुकान जाएंगे ना तब बताऊंगी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। कढ़ी बनाती हूँ।